20 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में चीन ने इस मिथक को भी तोड़ा कि हमारी हिमालयी सीमाएं अभेद्य और दुर्जय हैं। और इसके बाद शुरू हुआ सशस्त्र सीमा बल का एक गौरवपूर्ण और स्वर्णिम सफर, जब वर्ष 1963 में स्पेशल सिक्योरिटी बॉडी की स्थापना की गई, जिसको 1970 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम दिया गया। लक्ष्य था सरहदी आबादी का भरोसा जीतकर उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना। सन 2001 के बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने एक नए दौर में प्रवेश किया। 2003 में सशस्त्र सीमा बल के रूप में एक नई पहचान मिली और सीमा रक्षक के रूप में भूमिकाएं भी बदली। एसएसबी की कार्यकुशलता का सम्मान करते हुए 2004 में बल को प्रेसिडेंट कलर्स से नवाजा गया। आज एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण सीमाओं की दिन रात हिफाजत करने के साथ उग्रवाद विरोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा, आपदा राहत, वन्य जीव और मानव तस्करी रोकने में अपना योगदान दे रहा है। इन मुश्किल कामों को बखूबी अंजाम देने के लिए सशस्त्र सीमा बल ने लगातार अपनी क्षमताओं में विस्तार किया है। वर्तमान में एसएसबी के 18 सेक्टर मुख्यालयों के अधीन 69 सशक्त बटालियनों में लगभग 78,000 समर्पित ऑफिसर और जवान तैनात हैं, जिनमें तकरीबन 1400 महिलाएं भी शामिल हैं। ट्रांस बॉर्डर क्राइम एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, चाहे से वो नारकोटिक्स हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की तस्करी हो। तो ये एक फ्रेंडली बॉर्डर्स के चैलेंजेस हैं, क्योंकि बॉर्डर हो सकता है फ्रेंडली हो, पर उसका फ़ायदा हमेशा जो इस तरह के अनफ्रेंडली एलिमेंट्स हैं वो हमेशा उठाते हैं। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर भारत भूटान सीमा की पैनी निगरानी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि खुली सीमा में राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहचानना बेहद जटिल कार्य है। इसके बावजूद साल दर साल एसएसबी ने अपनी तत्परता से बड़ी संख्या में अपराधियों और तस्करों को गिरफ्तार करने के अलावा करोड़ों रुपए के मूल्य का प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया है, जिसमें नारकोटिक्स, वन्य जीव उत्पाद और पुरातात्विक वस्तुएं भी शामिल हैं। सीमा पर मानव तस्करी के विरुद्ध एसएसबी की मुहिम अनवरत जारी है। गत वर्षों में हमने बहुत से मानव तस्करी के पीड़ितों को छुड़ाया है, बहुत से तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो हमारी मुहिम है, ये जो हमारा अभियान है, वो एनजीओस की मदद से और जनता की मदद से सफल हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी अपने फर्ज को अंजाम देने की योग्यता को समझते हुए एसएसबी को नक्सल विरोधी अभियान चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल ने सटीक और अचूक कार्रवाई करके नक्सलियों के हौसले पस्त किए हैं। अब तक सैकड़ों नक्सलियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी इस अभियान में एसएसबी की कामयाबी का प्रत्यक्ष सबूत है। जन्नते कश्मीर में फैलती आतंकवाद की आग पर काबू पाने में सहयोग के लिए भी सशस्त्र सीमा बल अपनी सेवाएं दे रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी बल का अमूल्य योगदान है। यूं तो जरूरत पड़ने पर इस बल के जवान किसी भी सेवा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक या अन्य आपदाओं में सशस्त्र सीमा बल के जवान संकटग्रस्त लोगों के लिए सदैव फरिश्ता बनकर आए हैं। 29 जुलाई 2017 के दिन 18 बचाव एवं राहत दलों की एक साथ शुरुआत की गई। इस दल के सदस्य अत्यंत दक्ष होने के साथ आधुनिकतम राहत उपकरणों से लैस किए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल एक बहुआयामी फोर्स बनकर उभरा है। विस्तृत दायित्वों का निर्वाह, स्वस्थ शरीर, तीक्ष्ण मस्तिष्क और उच्च कोटि की क्षमता की मांग करता है। इस मांग को पूरा करता है एसएसबी के 12 ट्रेनिंग सेंटर्स का कठिन प्रशिक्षण, जो विशिष्ट प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए एसएसबी एकेडमी भोपाल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम, श्रीनगर और सप्री स्थित सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग और अलवर, सलोनी बाड़ी तथा गोरखपुर स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने में महारत रखते हैं। वहीं अलवर का डॉग ट्रेनिंग सेंटर डॉग स्क्वाड की जरूरतों को पूरा करता है। दुर्गम परिस्थितियों में सहजता से अपने फर्ज को अंजाम देने का हुनर सख्त और अनुशासित प्रशिक्षण से ही मिलता है। प्रशिक्षण यदि बल की आवश्यकता है,
तो आधुनिकीकरण एसएसबी की प्राथमिकता है। बख्तरबंद सैनिक वाहन, बुलेट प्रूफ वाहनों से लैस सशस्त्र सीमा बल ने नेत्रा 2 यूएवी को अपने उच्च तकनीक उपकरणों के जखीरे में शामिल करके बल को और अधिक प्रभावी बनाया है। लेजर आधारित विस्फोटक एवं नारकोटिक्स खोजी उपकरण को शामिल करके ये बल सीमा पार ये संदिग्ध गतिविधियों पर सटीकता से अंकुश लगाने के लिए तैयार है। एक तरफ एसएसबी के जांबाज जवान अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो दूसरी तरफ एसएसबी मुख्यालय ये सुनिश्चित करता है कि कार्मिकों के कल्याण में कोई कमी न रहे। सुदूर सीमाओं पर तैनात जवानों की सुविधाओं के लिए विकसित माई एसएसबी ऐप ऐसा ही एक कदम है। एसएसबी कर्मियों, उनके परिवारों और सीमांचल की जनसंख्या के कौशल विकास के लिए 6 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी इसी दिशा में एक बेहतरीन पहल है। आज एसएसबी की भूमिका भले ही बदल चुकी है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में आज भी इसकी विश्वसनीयता जनता के बल के रूप में ही है। बल कार्मिकों की नियुक्ति में खिलाड़ियों को तरजीह देने के नतीजे सामने आने लगे हैं। एसएसबी के खिलाड़ियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी तिरंगे का मान बढ़ाया है। सशस्त्र सीमा बल उन जवानों को नमन करता है जो वतन की खातिर शहीद हो गए। जांबाजी एसएसबी की परंपरा का हिस्सा है। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल। बल के ऑफिसर और जवानों को मिले अनगिनत वीरता सम्मान इसके साक्षी हैं। सशस्त्र सीमा बल का 5 दशकों से भी लंबा सफर सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श को जीने और उसको जीवंत बनाने की कीर्ति गाथा है। निसंदेह ये बल आने वाले भविष्य में वीरता और देश प्रेम की अनूठी कथाएं लिखने को तैयार है। सीमा बल हम हैं।